है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटरोला का मोटो G51 5G फ़ोन जो लेटेस्ट ही इंडिया में लॉन्च किया गया है, इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ रेडमी नोट 11T 5G के साथ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं। और मैं इन दोनों फ़ोन को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स में आपको 2000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। बट इस प्राइस डिफरेंस में कौन सा फ़ोन आपको जो है परचेज़ करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो मैं इन डिटेल बताने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मोटो G51 5G फ़ोन से। तो इसमें आपको जो है वो 6.8 इंच का LCD पंच होल डिस्प्ले मिलता है और Redmi Note 11T 5G में 6.6 इंच का LCD पंच होल डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही में बिल्कुल सेम रिजोल्यूशन मिलता है, 2400x1080 पिक्सल्स। और यहाँ पे मोटो G51 में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड Redmi Note 11T 5G में आपको जो है वो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी दोनों ही में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। यहाँ पे आपको मोटो G51 में जो है आपको IP52 वाटर रेजिस्टेंट मिलता है एंड Redmi Note 11T में आपको जो है IP53 वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। बैक कैमरे में मोटो G51 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का वाइड प्लस डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है, लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलता है। वहीं आपको Redmi Note 11T में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको मोटो G51 में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, Redmi Note 11T में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। जो प्रोसेसर है वो आपको मोटो G51 में आपको स्नैपड्रैगन 480 प्लस का प्रोसेसर मिलता है और Redmi Note 11T में आपको जो है वो MediaTek का Dimensity 810 मिलता है। जो GPU है वो आपको Moto G51 में Adreno का 619 GPU मिलता है, Redmi Note 11T में आपको ARM Mali G57 GPU मिलता है। बाकी दोनों ही में आपको LPDDR4X RAM मिलता है 6GB और 4GB का, और दोनों ही में आपको जो है 64GB का UFS 2.1 का जो है आपको स्टोरेज मिल जाता है स्टार्टिंग वेरिएंट में। और जो स्टॉक एंड्रॉयड है वहाँ पर आपको जो है वो मोटो G51 में जो है आपको नियर स्टॉक एंड्रॉयड जो है आपको एंड्रॉयड 11 का जो है आपको UI मिलता है और स्टॉक एंड्रॉयड वाला फील मिलता है मोटो G51 में। वहीं आपको Redmi Note 11T में MIUI 12.5 का जो आपको स्किन मिलता है और एंड्रॉयड 11 के साथ ये आएगा। दोनों ही में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है। जो चार्जर है वो आपको मोटो G51 में जो है वो चार्जर 20W का फास्ट चार्जर मिलता है और Redmi Note 11T 5G में आपको जो है वो 33W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। मोटो G51 में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है जो Redmi Note 11T में नहीं दिया गया है। बाकी दोनों ही में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, पोर्ट मिलता है। और यहाँ पे मोटो G51 में आपको जो वो थिंक शील्ड मिलता है जो Redmi Note 11T में नहीं दिया गया है। दोनों ही में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और Redmi Note 11T 5G में आपको IR ब्लास्टर दिया गया है। और प्राइस जो है वो आपको मोटो G51 5G में आपको जो है वो 4GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 14,999 रुपीज़ एंड Redmi Note 11T 5G में 6GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 16,999 रुपीज़। तो गाइज, इन दोनों फ़ोन्स को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे आप जो है वो मोटो G51 के साथ जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है वो एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है जो Redmi Note 11T 5G में 90 हर्ट्ज़ का मिलता है। और ऊपर से आपको जो है वो इसमें और अच्छे जो है वो NFC वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है, थिंक शील्ड, जिससे जो है वो मालवेयर अटैक वगैरह जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, और एक स्टॉक एंड्रॉयड वाला भी फील जो है आपको मोटो G51 में मिलता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मोटो G51 जो है एक बेटर फ़ोन है इन कंपेयर टू Redmi Note 11T 5G। सो गाइस, दोनों ही फ़ोन 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।